हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स अनस्क्रिप्टेड टेड पे स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। इस श्रावण महादेव जी आपको क्या देना चाहते हैं? महादेव जी का मतलब ही होता है कि वो कष्ट दूर करने वाले भगवान हैं, हमारे सारे ही दुख को हरने वाले भगवान हैं महादेव। इसी के चलते उनको देवों का देव भी कहा जाता है। और वो आपको श्रावण के महीने में क्या देना चाहते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर तीन पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है एस ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड पाइल है फोर ऑफ वॉन्ड्स और थर्ड पाइल है दी स्टार। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है, वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो ज्वाइन जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे और सारे डिटेल्स भी लिखी हुई है। तो इसमें मैं आपको मेंबर्स वीडियो इस तरह से लिखा होगा, सेकंड ऑप्शन में वो आप चूज़ करेंगे तो मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ। तो जाइए चेकआउट कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कम रेट है, आप देख सकते हो, और आपके लिए फ्री सेशंस और पर्सनल रीडिंग लेकर आ रही हूँ और कुछ सरप्राइज़ भी है, तो इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल वन चूज़ किया है एस ऑफ वॉन्ड, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि इस श्रावण महादेव जी आपको क्या देना चाहते हैं। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे। ओके, यूनिवर्स डिवाइन बताइए इस श्रावण आप क्या देना चाहते हैं। पाइल वन द फूल, बहुत ही खूबसूरत। बॉटम टू डेक हमारे पास है द टावर, वेरी नाइस एनर्जी। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन, आप इस श्रावण उनको क्या देना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन कंपेशन, बॉटम टू डेक हमारे पास है फॉरगिवनेस। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एरिस लियो सेजिटेरियस, नाइन ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस एनर्जी। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, आपके कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं। द मून, वेरी नाइस। स्पाइसेस गाइस, सेवन ऑफ कप, वेरी नाइस। कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, एट ऑफ सोर्ड, जो आपकी लाइफ में है बहुत ही खूबसूरत। एट ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। बॉटम टू डेक हमारे पास है डेथ स्कॉर्पियन, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। अब हम यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन। ओके, पाइल वन, इस श्रावण आप उनको क्या देना चाहते हैं। पीस ऑफ माइंड गाइस, यूनिवर्स डिवाइन। आइसोलेशन,
एक्सोसोम्स, सप्रेशंस, ट्रैवलिंग, सक्सेस, वेरी नाइस एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से सेलिब्रेशन, यूनिवर्स डिवाइन, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, चूज योर न्यू डायरेक्शन, परफेक्ट टाइमिंग, अ ईयर फ्रॉम नाउ, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से विथ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, ओके। वन मिनट गाइस, अब आपको कार्ड दिख रहे हैं। तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि इस रावण महादेव जी आपको जो देना चाहते हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द फूल, इसका मतलब ये होता है कि आपकी बुद्धि जिसमें बहुत सारे थॉट प्रोसेस अभी तक चल रहे थे और आपको आपकी आंसर नहीं मिल रहे थे, आपकी आसपास की जो भी सिचुएशन बन रही है, जो भी परिस्थितियाँ बन रही है अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट लाइफ में, इसका जवाब आपको नहीं मिल रहा था, तो आपकी बुद्धि में किसी भी तरह के एक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पाएंगे और इसी के चलते आप एक व्यवस्थित और अच्छा डिसीज़न अपनी परिस्थितियों में बहुत ही अच्छे तरीके से डिसीज़न ले पाएंगे और एक सरल वे में डिसीज़न लेने की वजह से आप खुश भी रहेंगे। तो ये जो श्रावण आ रहा है उसी के चलते आपकी बुद्धि खिलने वाली है, यानी कि आपका दिमाग जो अभी तक आपको लग रहा था कि ब्लॉक है, स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ मैं या आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, इस तरह से आपको लगता है अभी तक, तो गाइस इसमें किसी भी तरह का एक अचानक से चमत्कार होगा और अचानक से बदलाव आएगा और आपकी बुद्धि फिर से ओपन हो जाएगी और आप व्यवस्थित तरीके से सही मायने में अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के लिए एक फ्रेश हो जाओगे। और जो भी अभी एक स्टक महसूस कर रहे हो सिचुएशनों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो श्रावण के महीने में आपको एक धक्का लगने वाला है, एक फोर्स लगेगा जिसके चलते आपकी बुद्धि पूरी तरीके से अलग तरीके से सोचने लग जाएगी और इसी के चलते जो आपके क्वेश्चन अटक रहे हैं, अभी तक अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, आपके सवालों के आंसर अभी तक आपको नहीं मिल रहे हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और आपके लिए है कंपैशन, इसका मतलब ये होता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा एक एंजल के रूप में, एक सहभागी के रूप में, एक पार्टनरशिप के रूप में, किसी भी तरह से आपकी लाइफ में एक इंसान आएगा जिसके चलते आपकी लाइफ में एक पूरी तरीके से एक बदलाव आप महसूस करोगे। एक एंजल की तरह एक पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और इसी के चलते आपकी लाइफ में सुधार आने वाला है, इम्प्रूवमेंट आने वाला है। और एट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा अभी अच्छी नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए अभी, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इस भंवर में फंसता ही जा रहा हूँ या फंसती ही जा रही हूँ, लेकिन मुझे इससे बाहर निकलने की किसी भी तरह का एक भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और चारों ओर से आपको निराशा घेर रही है, चारों ओर से आपको दुख घेर रहे थे और चारों ओर से आपको लग रहा है कि अब तो मैं हार जाऊँगा, अब तो मैं इससे बाहर ही नहीं निकल पाऊँगा, अब तो मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश भी करूँगा फिर भी मैं इसमें धंसता ही चला जाऊँगा, इसमें फंसता ही चला जाऊँगा, लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा है और अब मैं अपने आप को भी मुझे लग रहा है कि मैं टूट रहा हूँ, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को नहीं संभाल पा रहा हूँ, मैं अपनी एक
आर्थिक स्थिरता संभाल नहीं पा रहा हूँ। पूरी तरीके से चारों ओर से आपको अभी एक दुख महसूस हो रहा है, निराशा महसूस हो रही है, एक तकलीफदायक महसूस हो रहा है आपको अंदर से, लेकिन आप बाहर किसी को कह नहीं सकते हो। तो आपको इस जो भी आपकी लाइफ में अभी है उससे आप बाहर निकलने वाले हो, और वो भी एक अचानक से बाहर निकलोगे, और आपकी लाइफ में जो भी एक अबंडेंस नहीं है, पैसों की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगी, कहीं हद तक ठीक हो जाएगी। और उसकी शुरुआत आपको श्रावण के महीने से, आपको पता चल जाएगी कि श्रावण के महीने से एक स्टार्टिंग हो जाएगी, और धीरे धीरे आप फिर से अपग्रेड होते चले जाओगे, और पैसे धीरे धीरे आते चले जाएंगे। इसको आपको पूरी तरीके से संभालना है, वो भी महादेव जी आपको कह रहे हैं कि आप खुद से ही इस परिस्थितियों को संभालना पड़ेगा आपको। मैं आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल रहा हूँ और एक अच्छी लाइफ दे रहा हूँ, और इस अच्छी लाइफ को संभालना आपके हाथ में है। आप नहीं संभल पाए तो फिर आप फिर से उस खराब भंवर में चले जाओगे, इस तरह से आपको कहा जा रहा है। और अभी ये जो थ्री ऑफ सॉर्ड, एग्जोशंस और सपरेशन, ये आप ही की एनर्जी है कि आप पूरी तरीके से टूट चुके हो, रुके हुए हो, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो, और पूरी तरीके से अपने आप को एक डाउन महसूस कर रहे हो, पूरी तरीके से आप अपने आप को नीचा महसूस कर रहे हो, पूरी तरीके से अपने आप को एक हारा हुआ इंसान देख रहे हो या देख रही है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप इससे बाहर निकल रहे हो सावन के महीने में, तो आपको अभी के थ्रू थोड़ा संभालना है खुद को, पेशेंस रखना है। सभी की सिचुएशन में बदलाव ज़रूर आता है, विश्वास रखो, कभी भी भगवान किसी के जीवन में से अंधेरा नहीं दूर करता है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। रोशनी ज़रूर आती है, लेकिन उम्मीद बनानी पड़ती है, उम्मीद रखो खुद के ऊपर। आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आपके सपने भी आगे चलकर पूरे होंगे। ये जो मून की एनर्जी है, इसके चलते फूल के साथ कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में एक एंजल्स की तरह के लोग भी आएंगे और बुरे लोग भी आएंगे, इसको पहचानना आपका काम है। ये कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन बहुत आपने अभी तक इतना सारा दुख देखा है, तो आप एक अनुभवी इंसान बन चुके हो, तो आपके लिए कौन अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है वो तो आप भली भांति जानते हो, पहचानते हो। अब आपको आ गया है तो ये मुझे भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा खिलने वाली है, आप ओपन माइंडेड होने वाले हो, तो इसको संभालना भी आपके हाथ में है। इसके लिए आप किसी भी तरह का एक सुरक्षा कवच ले लीजिए, जिससे आपकी लाइफ में ये जो श्रावण के महीने में खूबसूरत बदलाव हो रहे हैं वो वैसे के वैसे ही टिके रहे। आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि कभी भी आपको लगे कि मैं एक गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तब आप अपने इंट्यूशन पावर के साथ बातचीत कीजिए, अपने आप के साथ बातचीत कीजिए, अपने आप को कहिए कि मैं सही रास्ते पर तो जा रहा हूँ ना। तो आपको अंदर से अंदरूनी तौर पर एक आंसर मिलेगा, इंट्यूशन आपको आंसर करेगी, हाँ होगा तो हाँ और ना होगा तो ना। इस तरह से आपको खुद के साथ अपनी एक कंफर्टेबिलिटी बिठाने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप खुद को संभाल पाओगे, खुद को कंट्रोल कर पाओगे, खुद में पेशेंस लाओगे, खुद को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करोगे, तो आप दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको तोड़ पाए। ये जो साल है वो आप ही का है। आप इस जो भंवर में अभी तक फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, इससे अब बाहर निकलने वाले हो, और बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलने वाली है और खुशखबरी मिलने वाली है। इसके लिए तैयार हो जाइए, आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। ये जो थोड़े वीक है, थोड़े हफ्ते हैं, उसमें आपको सारे ही आंसर मिल जाएंगे आपकी अभी जो परिस्थितियाँ चल रही है उसके लिए। ओके, तो इसके लिए आपको थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। आप नेगेटिव रहेंगे और नेगेटिव सोच बना कर ही रखेंगे, तो फिर आपको पॉजिटिविटी दिखाई ही नहीं देगी।
क्योंकि आप जब देखो तब मून की एनर्जी में आ जाते हो, तो वो आपके लिए बार बार एक नेगेटिव होना, बार बार खुद के लिए दुखी फील करना, वो आपके लिए ठीक नहीं है। भगवान ने आपको जो इंसान के रूप में एक जन्म दिया है उसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और खुद को नेगेटिव मत बनाइए। आपके लिए ये भी कहना चाहती हूँ कि आपके एक चार्ट में मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो आपको हर रात को चंद्रदेव को याद करना है और कहना है कि मेरी एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस कीजिए। इस तरह से आपको हर रात को कहना है। दैत का मतलब यही होता है कि महादेव जी आपको पूरी तरीके से इस श्रावण के महीने में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, जिसमें आप काफ़ी सारे खूबसूरत बदलाव देख पाएंगे और आपको इसको पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना होगा। स्टार्टिंग में उसके लिए आप थोड़े एक प्रिपरेशन के मोड में, कोई भी इंसान नहीं होता है जब बदलाव आते हैं, तो इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके लिए बढ़ चढ़ कर खुशियाँ आ रही है, उसको खुशी से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, आउ कर दीजिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किया, फोर ऑफ वॉन्ड, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस के इस श्रावण महादेव जी आपको क्या देना चाहते हैं। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे। ओके, टेम्परेंस, आप देख रहे हो महादेव जी का ही कार्ड आ गया, शिव शक्ति, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से दी हैंगमैन, जो आपकी लाइफ में अभी है। यूनिवर्स, डिवाइन, बताइए इस श्रावण में आप उनको क्या देना चाहते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, स्पॉन्टेनिटी, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एक्सप्रेशन। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू, किंग ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, द लवर्स, जेमिनाई, टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टेम्परेंस। आप देख रहे हो आपके कार्ड में दूसरी बार टेम्परेंस का कार्ड आया है, आपको पता है। दी हैंगमैन, और दी हैंगमैन का कार्ड भी दूसरी पर आया है, वेरी नाइस एनर्जी। दी हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ कप, बहुत ही खूबसूरत, जो मैं सोच रही थी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है थ्री ऑफ सॉर्ड, टू ऑफ कप, दी हैंगमैन और टू ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर एनर्जी है गाइस, और थ्री ऑफ सॉर्ड आपको पता है एयर साइन। ओके, यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू, टोटालिटी, दी रिबेल, इनोसेंस, एबंडेंस, लेजीनेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है करेज। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू, अनलाइकली, ट्रस्ट विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ और नो। ओके, बॉटम ट्रैक हमारे पास है सक्सेस। तो गाइस, आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि महादेव जी आपको क्या देना चाहते हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन, इसका मतलब ये होता है कि आप पूरी तरीके से दिल से अच्छे इंसान हो और आप अपनी लाइफ को बहुत ही बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हो, अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश करते हो, फिर भी आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम आ ही जाती है, बार बार परेशानियाँ आ ही जाती है। जैसे आप सोचते हो कि मुझे ही एक प्रॉब्लम देने का एक ठेका लिया है,
या मेरी लाइफ में ही प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होती है। दूसरों की लाइफ तो देखो कितनी खूबसूरत और अच्छी चल रही है, कितनी लाइफ में लोग एंजॉय कर रहे हैं, और मेरी लाइफ देखो, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अभी तक तो मैंने अपनी लाइफ में किसी भी तरह की खुशी देखी ही नहीं है, इस तरह की आपकी एनर्जी है। और रियली में गाइस, आपकी लाइफ में जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं, आपने अभी तक बार बार जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉर्ट आउट करते हो, फिर से दूसरी आती है उसको सॉर्ट आउट करते हो, तीसरी आती है उसको सॉर्ट आउट करते हो। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए, वैसे वैसे समय के साथ आप अपने सिर्फ अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते करते आपकी उम्र भी आगे बढ़ने लगी और आपकी उम्र भी हो गई, लेकिन आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है। और इसके चलते आप बहुत ज़्यादा टेंस हो, दुखी भी हो, परेशान भी हो, लेकिन आपका विश्वास, टेम्परेंस का कार्ड यही कहता है कि चाहे आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम आती रहे, उसको आप बार बार सॉर्ट आउट करते रहे, लेकिन आपका विश्वास, आपका गॉड के ऊपर जो विश्वास है वो कायम रहता है, और वही आपको कामयाबी भी देता है, सक्सेस देता है। ओके, और इसी के चलते आप हार नहीं मानते हो, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम आती है वो सॉर्ट आउट हो भी जाती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है। और इसी के चलते आपका लास्ट कार्ड आया है दी हैंगमैन, और हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि 2 महीने के अंदर आपकी लाइफ पूरी तरीके से, जो भी एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉर्ट आउट अभी तक नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो आपके बच्चों की शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर उनकी शादी की लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, एक डिवोर्स की नौबत आ चुकी है, या फिर आपकी लाइफ में पैसे नहीं आ रहे हैं, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, आपके बच्चों की भी एक कैरियर अच्छी नहीं चल रही है, तो वो सारी ही प्रॉब्लम आपकी 2 महीने के अंदर आपको पूरी तरीके से सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएगी। ओके, और 2 महीने में आपको सभी तरीके का आंसर मिल जाएगा, और ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, महादेव जी आपको कह रहे हैं। बहुत सारी आपने प्रॉब्लम देखी है अपनी लाइफ में, आपके जैसा अनुभवी इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा, मैं आपको कह रही हूँ। आपने अपनी लाइफ में सभी तरीके के दुख देख चुके हो, आपने अपनी लाइफ में काला जादू भी देखा है, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम देखी है जिसका आप दूसरों को बताओगे तो आप विश्वास भी नहीं करेंगे दूसरे लोग, इस तरह की एनर्जी है आपकी। और आपने अपनी लाइफ में गाइस धोखे देखे हैं, चीटिंग देखी है, अपने ही लोगों ने आपका विश्वासघात किया है, आपके पैसे भी उन्होंने ले लिए हैं, मतलब आपके सभी तरीके की एबंडेंस लाइफ उन्होंने छीन ली है आपसे, और इसी के चलते अभी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो। तो महादेव जी आपको कह रहे हैं कि इस रावण के महीने में आपकी सारी ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। जितना आपने मेरे ऊपर विश्वास रखा है वो यकीन मानिए, वो बरकरार रखिए अपना विश्वास, यकीन मानिए ये विश्वास आपका कहीं नहीं जाएगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉर्ट आउट कर दूंगा, इस तरह से आपको गॉड कह रहे हैं। और आपके लिए हैंगमैन का कार्ड और टू ऑफ कप की एनर्जी ये भी दिखाती है कि गॉड आपको कह रहे हैं कि ये जो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, छोटी हो या बड़ी हो, सारी प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से उसका एक सही वक्त, जो अभी ये श्रावण महीना आ रहा है उसमें पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि अब ज़्यादा महीने या मंथ नहीं लगेंगे इस प्रॉब्लम को दूर करने में। आपने बहुत ज़्यादा महीने इंतज़ार किया है, बहुत साल इंतज़ार किया है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है, और अब आपकी सारी ही ख्वाहिश पूरी होगी। सक्सेस का मतलब यही होता है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ देखी है
उसके चलते अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, सफलता आने वाली है। और ये जो भी एक नेगेटिव एनर्जी है या काला जादू है या पूरी तरीके से आपकी सभी तरह की एक तकलीफें है, परेशानियाँ है, वो सारी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, पूरी तरीके से दूर होती हुई नज़र आ रही है। और आपकी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस होगी। थ्री ऑफ शॉर्ट की एनर्जी यही दिखाती है कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में सभी तरह के दुख देख लिए हैं, तो अब आपको सुख भी बढ़ चढ़ कर मिलेंगे और सभी तरह का सुख मिलेगा। और आपने जो मेरे ऊपर विश्वास टिकाए रखा है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपसे खुश हूँ, इस तरह से महादेव जी आपको कह रहे हैं। आपने अपना विश्वास अभी तक तोड़ा नहीं है अपने गॉड से, अपने महादेव जी से। फोर ऑफ वांड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपकी जो भी आपने अपनी लाइफ में जो भी सुख दुख, सुख तो जैसे आपने देखे ही नहीं, आपकी अपनी लाइफ ऐसे ही दुख को दूर करने में निकलती गई, लेकिन अब आपकी लाइफ में सभी तरह की खुशियाँ आएगी। ये श्रावण आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी ये पाइल थी चूज़ की है द स्टार, इसके बारे में बाद में बताती हूँ, पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि इस श्रावण महादेव जी आपको क्या देना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन क्या विश है उनकी। ओके, द फूल, ये कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था गाइस, इसका मतलब ये होता है कि आप पाइल वन से भी अट्रैक्ट हुए हैं। द चैरियट, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है द स्टार, अमेजिंग। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल थ्री, इस श्रावण आप उनको क्या देना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थ्री, कंपेशन। तो गाइस आप पूरी तरीके से पाइल वन से ही अट्रैक्ट हुए होंगे। जो सेकंड कार्ड आया है वो भी वही है, तो मैं सेकंड कार्ड लूँगी, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये बहुत ही रेयर कॉन्शियसनेस होता है, ह्यूमिनिटी। ओके, ह्यूमिलिटी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थ्री, बहुत ही रेयर इत्तेफाक होता है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थ्री, स्ट्रेंथ लीवो, फाइव ऑफ वांड्स, एरिज लियो सजिटेरियस, फोर ऑफ कप, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, एट ऑफ कप, फिर से वाटर एनर्जी, फोर ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम टू डेक हमारे पास है सिक्स ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सॉर्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, सिक्स ऑफ पेंटिकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल थ्री, ट्रस्ट, फाइटिंग, राइपनेस, कंडीशनिंग, मोरालिटी। बॉटम टू डेक हमारे पास है पॉलिटिक्स। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल थ्री, हेल्पफुल पीपल, रोमांस, वेरी नाइस एनर्जी, यस, इम्प्रूविंग हेल्थ। बॉटम टू डेक हमारे पास है इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो गाइस महादेव जी आपको क्या देना चाहते हैं। जो लोग अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं, ओके, आपके अपने पार्टनर या पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, आप मैरिड के बाद भी सेपरेशन हो या फिर आप रियली में किसी इंसान से प्यार करते हो और उसका इंतज़ार कर रहे हो,
मतलब सभी तरीके से आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं और इसी के चलते आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाले हो। और आपके लिए कार्ड आया है फूल और दी चैरियट, इसका मतलब ये होता है कि महादेव जी आपको अभी पूरे तरीके से जो भी आपकी लाइफ में है क्वेश्चन एक अटक चुके हैं, जो भी सवाल है उसका आंसर आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि खेलने वाली है, आपकी बुद्धि ओपन होने वाली है। अभी तक रुकी हुई थी, अभी तक आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे थे, एक मेंटली डिस्टर्ब महसूस कर रहे थे, तो आप मेंटली फ्रेश महसूस करोगे और इसी के चलते आपको अपने जीवन के आंसर भी मिलेंगे। और आपकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत इस श्रावण में बदलाव आने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, जिसके चलते अभी तक आपकी लाइफ में जो भी एक नेगेटिव एनर्जी थी वो दूर होगी। और आप किसी को कुछ गलत कह, यहाँ जिस तरह के कार्ड आए हैं ये इसका मतलब तो यही होता है कि आप किसी को कुछ बुरा भुला सुना रहे थे, तो फिर आपको भी सुनने को मिलेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे थे तो आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लग जाओगे। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आपने अपनी लाइफ में किसी के साथ बार बार तू तू मैं मैं की है, या फिर बार बार किसी को कुछ सुनाया है, तो वो भी आपको सुनने को मिल सकता है। मतलब कि जो भी इस पूरे साल में श्रावण तक आपने जो भी दूसरे इंसान को दिया है, खुशी दी है तो खुशी मिलेगी, एक प्यार दिया है तो प्यार मिलेगा, नफरत दी है तो नफरत मिलेगी। मतलब आपने जो कुछ भी दिया है एक पूरे साल, वो सब कुछ आपके पास आने वाला है और वो आपको मिलने वाला है। अब आपके कर्मा कैसे है वो आपकी यहाँ एनर्जी दिखा रही है कि इमोशनल वाइज कहीं हद तक आप दूसरों से हर्ट हुए हो और आपने भी उनको बहुत कुछ सुनाया है और उन्होंने भी आपको बहुत कुछ सुनाया है, तो फिर ये इक्वल एनर्जी है। तो इसके चलते आप अपनी लाइफ में जो भी जिस तरह से खुशियाँ आपको मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा बेटर और खूबसूरत होगी। लेकिन यहाँ आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने कर्मा के ऊपर ध्यान नहीं देते हो तो ध्यान दीजिए कि किसी आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, अच्छा तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को बुरा नहीं देना है, किसी को बुरा नहीं कहना है, वो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फोर ऑफ शॉर्ट की एनर्जी यही दिखाती है कि आप अपनी लाइफ में सभी तरीके से खुश हो जाने वाले हो, सभी तरीके से आपकी लाइफ में एक खुशियाँ आने वाली है। इन द नियर फ्यूचर का मतलब यही होता है कि आपके लाइफ में एक खूबसूरत बदलाव आने वाले है, सभी से प्यार मिलने वाला है, प्यार की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल का मतलब ये होता है कि आपने बहुत कुछ दिया है वो आपको फिर से आपके पास लौट कर आ रहा है, वेरी नाइस। और डी स्टार का मतलब यही होता है कि उम्मीद बनाए रखे, होप बनाए रखे, गॉड के ऊपर विश्वास रखे, आपकी सारी ही खुशियाँ पूरी होने वाली है। और स्टार का मतलब तो यही होता है कि आपकी जो भी उम्मीद है आशा है वो पूरी होने वाली है इस श्रावण के महीने में, तो बहुत ही खूबसूरत ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, लव यू, बाय।